कहानी गंगाराम की, जो आपकी आंखें नम कर देगी। जिन गंगाराम ने जिंदगी के हर दिए गए दुख का डटकर सामना किया, जो गंगाराम हर जंग से लड़ते हुए जीतते चले गए, वो गंगाराम जिंदगी की जंग हार गए। वजह सिर्फ एक, जिससे पूरा का पूरा प्रदेश परेशान है, अन्ना जानवर। गंगाराम का एक लौता बेटा था जो कमाता था तो घर का खर्च चलता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका बेटा 2 साल पहले दुनिया से चल बसा। परिवार को पालने की जिम्मेदारी गंगाराम के सिर आ गई तो उन्होंने उम्र न देखते हुए मेहनत शुरू की, मेहनत परिवार का पेट पालने की। बेटे की मौत के दुख से ऊपर आकर गंगाराम घर चलाने लगे, लेकिन अन्ना जानवर ने बेटे के बाद परिवार से गंगाराम को भी छीन लिया। ये दर्दनाक मामला श्रावस्ती का है, जहां नासिरगंज में साप्ताहिक बाजार लगा था। गंगाराम घर के लिए सब्जी लेकर वापस लौट रहे थे, वहीं पर 2 अन्ना जानवर आपस में लड़ रहे थे और गंगाराम उन्हीं के चपेटे में आ गए। अन्ना जानवरों ने उन पर हमला बोल दिया। लोगों ने किसी तरह बुजुर्ग गंगाराम को उनसे छुड़वाया और जल्द से जल्द निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलहीपुर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि नासिरगंज महादेव के राड़ी गांव के निवासी 80 साल के बुजुर्ग गंगाराम अपने घर से साप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदने गए हुए थे। वहीं जब वो देर शाम सब्जी लेकर वापस लौट रहे थे, तभी नासिरगंज बाजार के पास 2 छुट्टा गौवंशीय मवेशी आपस में लड़ रहे थे, जिन्होंने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने लाठी डंडों की मदद से मवेशियों को खदेड़कर बुजुर्ग को बचाया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने बुजुर्ग को पहले निजी चिकित्सक के यहाँ दिखाया, जिसके बाद बुजुर्ग को घर लेकर चले गए, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलहीपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंगाराम के चले जाने से पूरा का पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ है। घर में कोहराम मचा है, परिजन बदहवास है। ऐसा लग रहा है मानो उनकी पूरी जिंदगी ही बिखर गई है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग गंगाराम का एक ही बेटा जीवन लाल था, जिनकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि 3 बेटियां थी जिनकी शादी हो गई है और वो अपने अपने घर रह रही हैं। वहीं मृतक गंगाराम के घर में 2 पोते हैं, जिनमें से सूरज 12 साल का जबकि कार्तिक सिर्फ 2 साल का है। गंगाराम की मौत से उनकी पत्नी बेहाल है, उनकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई है। काम भर गया, सौदा आ गए सरकारी तो बहुत गया, मैं धक्का लाग वो गिर गया, वहीं खांड गया, नहीं कुछ पाइन लाद फटाफट पेरू मारे इंस्टेशन मारे सब काट को वो सब कट गवा वो सुबह पेट वो पंजा चिल्लाए लागे अब पड़े रहें तब हल्ला भावा तब गांव में नहीं हम गए सरकार नहीं आना यही तब मैं ला के भरैया तब डॉक्टर के लेके गया तब हुन मन ही आया कहीं आजी रे बाबा कहाँ बहला दहा मार डाली दहान कर जा रही कचका कहीं कि गिर गया वहीं कचा डाले बा भैया अभी हकीका कहीं अपने बहन के लड़का दौड़े गए वो सब कहीं का लड़का सब दौड़ा गया और सब हमारे डॉक्टर के बंगाली के पहुँचाए सुबह सुई लाग बस लेके आया दवाई ववाई जी चिल्लाए लगे मले लग गया मैं बिचा सा कहीं बहन ये हम बचा बना चाह दूध लाया चाह दिन चाहो नहीं तेन उल्टी हुआ लाग मैं कहीं लाओ ले चली मैंने बदल हुआ ले चली बीज गई तब लम्बो लय से कहीं बोला आए वह लेके गया बड़ गई दवाई वो नहीं भगा खत्म हो गया हूँ मैं खत्म हो गया अब हमारे दोस्त हम यहाँ कहीं की आवाज है रोबर पीटर आया बिटिया अब हमारे बिटिया भेजा से आए और पतो हमारे डायरेक्ट फोन गवा कर दे सना पतो हमारे गवा पतो आए राशन कहें सके आया सब नहीं आए चिल्लाते फिर आज भर होगा चिल्ला वाला नहीं रह गया कल काम नाम कल मट्टी दिन गवा कहाँ करिए अब न पूछ है न परिवार है कोई करैया ना आए हमारे न घर न कुरिया कोई दखैया ना आए घर में कौन कौन है बेटा है कोई कोई नहीं हमारे आपका लड़का रहा 3 बेटिए रही बेटे को क्या हुआ था बेटे हमारे रही बन अपने घर रही तो हाँ कर रहे हमें कहीं नहीं बंद आपके यहाँ लड़का था उसको क्या हुआ था लड़का हमारे या लड़का क्या एक लड़का है एक छोर का नियम है 3 महीना पेटे में है सब पैया हम मान मारे रहे हैं इसके बाद ये लड़का छटका हुआ है और ये बोले अच्छा ये बताइए सरकार से क्या कहना चाहेंगे हम कहाँ कह दी बिहार बताइए तो सुना तो नहीं बताई बस सरकार से अब घर कुरिया छुट्टा पशुओं को लेकर सरकार से कुछ कहेंगी सरकार से कहीं कहे ना कि रहे हमारे परिवार कोई हमारे न हमारे परिवार ससुर रहेगा ना हमारे परिवार रहेगा लड़कियन के हमारे कुछ नहीं है ना घर कुरिया है तो दे दिन जाए बन जाए घर कुरिया बना दे
तो नहीं भागते लड़के मार रही है क्या, कोई छवैया उसे चटियो फर की कोई मंगैया नहीं है, बोलो क्या कह रहे हैं काट ला रहे हैं ये सब बाटी बांधे काटे बाहर काट ला रहे हैं कि चाचा बन में बोले चल बस यहाँ अब कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए आप घर में कौन घर में किस जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? हमारे कहीं हमारा परिवार मर गया तो हमें ही चौहान है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मांगी थे हमें पैसा को दे दे कुछ जीवन हमें पतो कहीं कुछ पोता कहीं पोते कहीं मेरा पतो कहीं हम लोग दे दें जी भाई अब कोई करेगी हमारा नहीं है। वही गंगाराम तो चले गए लेकिन उनकी बेटी चाहती है कि उन्होंने तो अपने पिता को खो दिया लेकिन किसी और का परिवार ना उजड़े इसके लिए अन्ना जानवरों को लेकर कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ये बाप हम जाते सब्जी आने तो सब्जी आने गेट के सामने जाए के बैल लड़त रहे हैं तो लड़के वहीं में बाजार में नासिरगंज तो वहाँ जाए के वहीं पर गए जाए के खान गए जाए के वहीं माल ला तो घुस्सा था वहीं में फंस के लाग गवा गुंज कांड डाले साड़ बहेला तो उनका लात फान के जोन गए आदमी देखे गाँव के तो वो मार पीट के जाए के उन्हें छोड़ाएन वड़ाएन जाए के तो वहाँ अस्पताल लेके गए बाजार नासिरगंज तो वहाँ सुई दूठ वाला वहाँ से फिर वापस लेके आवागा यहाँ घर पर लावागा घर पर कहीं चाय बनाए दो तो चाय बनावागा चाय बनाए गवा नट्टी महन तो लम्बू लैस आए गवा लम्बू लैस आवा तो लात फान लेके गवागा अस्पताल मल्लीपुर मल्लीपुर पहुँचते खन बाप हमारे खत्म हो गए तो वहाँ से फिर वापस आए दरोगा साहब कहें कि कुछ ना है इनका लेके जाओ तो वहाँ से फिर वापस लेके आवागा। घर मासी महतारी रही है वो पुरखा रही है और भौजाई रही है तो नैहर रात ही है भाई है कि नहीं भाई यक्को नहीं है तो घर में आप कौन रहेगा? अब कोई नहीं रहेगा पुरखा रो रह गए और क्या सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से क्या कहना है जस मेरे बाप के साथ है भवाई से दूसरे साथ है उनका बंद कराओ उसको बंद कराओ बहेला कहें तो बहेला ज्यादा है क्या है? ज्यादा है बहुत घूमते हैं तो प्रशासन से या सरकार से क्या मांग करेंगे? काम मांग कर रहे हैं कुछ घर कुरिया पुरखा लोग उनके बनाए चुनाए दे रुपया पैसा दे दें अब उनके के देखी भाली कुछ। गंगाराम इस दुनिया से जा चुके हैं बेटियों की शादी हो गई वो अपने अपने घर की हो चुकी हैं लेकिन पीछे छूट गई उनकी पत्नी उनके दो मासूम से पोते जिनको पता तक नहीं कि उनके सिर से पिता का साया उठने के बाद अब बाबा का हाथ भी छूट चुका है। इस परिवार ने अपना सब कुछ गंवा दिया लेकिन अगर अन्ना जानवरों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया गया होता तो आज परिवार बिखरा ना होता आज गंगाराम अपने घर वालों के साथ होते लेकिन न जाने कितनी जिंदगियां भी अन्ना जानवरों की भेंट और चढ़ेंगी और परिवार यूं ही बिखरते रहेंगे। श्रावस्ती से पंकज वर्मा की रिपोर्ट यूपी तक।